हेलो चिल्ड्रन इन दिस वीडियो वी विल डू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड एसेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स सो लेट इज स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन टेलीविजन केबल नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ टेलीविजन केबल नेटवर्क किसका एग्जांपल होता है फर्स्ट ऑप्शन है लैंड लैंड क्या है लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क जो लोकल एरिया तक कन्फाइंड होता है मतलब एक स्मॉल एरिया में जो नेटवर्क आप क्रिएट करते हो लाइक विद इन अ ऑफिस और विद इन अ बिल्डिंग ओके okay? अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं टेबल के, टेलीविजन केबल नेटवर्क की जो कहाँ फैला होता है थ्रू आउट द सिटी फैला होता है ओके okay? तो वैन क्या होता है वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क जो थ्रू आउट द वर्ल्ड नेटवर्क है राइट right? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैन राइट right? क्योंकि टेलीविजन केबल नेटवर्क क्या होता है एक सिटी के अंदर फैला होता है तो मेन क्या है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो क्या करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन uh, की हेल्प करता है एक पर्टिकुलर सिटी में सारे ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए लाइक like, uh, जैसे यहाँ पे टेबल टेलीविजन केबल नेटवर्क है वो क्या है एक पूरे सिटी में फैला होता है तो जो मेन ऐसा नेटवर्क होता है जो डिफरेंट डिफरेंट लेंस को कनेक्ट करके बनता है राइट right? तो टेलीविजन केबल नेटवर्क क्या है मैन है क्योंकि ये थ्रू आउट द सिटी फैला होता है ओके थ्रू आउट द सिटी इसका एरिया होता है फाइन ओके विच फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ब्राउजर अभी इसमें से आपको बताना कि कौन सा ब्राउजर नहीं है ओके okay? ब्राउजर क्या होता है ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं अपने सिस्टम पर ओके okay? राइट right? तो यहाँ पे क्रोम हमारा ब्राउजर है फाइन ओके आपका फायरफॉक्स भी ब्राउजर है ओके यहाँ पे अवर्स्ट है क्या अवर्स इज एंटी वायरस तो ये ब्राउजर नहीं है फाइन और ये क्या पूछ रहा है कौन सा ब्राउजर नहीं है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड अवर्स क्या है एंटी वायरस है ये ब्राउजर नहीं है आपकी एज भी ये भी आपका क्या है ब्राउजर है फाइन तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है अवर्स एन अवर्स बिकॉज दिस इज नॉट अ ब्राउजर ओके ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन समर्थ इज द हार्डवेयर इंजीनियर ऑफ हैप्पी स्कूल ही हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ इंस्टॉलिंग अ नेटवर्क इन द स्कूल लैब विच हैज अराउंड फोर्टी कंप्यूटर्स ओके यहाँ पे क्या है समर्थ क्या है हार्डवेयर इंजीनियर है हैप्पी स्कूल में और उसको क्या टास्क मिला है उसको नेटवर्क स्टेब्लिश uh, करने का टास्क मिला है ठीक है और कितने कंप्यूटर्स है हमारे पास फोर्टी कंप्यूटर्स है फाइन

ना हो फाइन तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है आपकी बस टॉपोलॉजी बस टॉपोलॉजी में क्या होगा कि एक आपकी बैकबोन होगी जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे ये यह क्या है कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंट नहीं है राइट देन रिंग टॉपोलॉजी रिंग टॉपोलॉजी में भी क्या है दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर रिंग बनाते हैं ओके okay, सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं मैश टॉपोलॉजी मैश टॉपोलॉजी में तो कंप्लीटली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे हम कौन सी टॉपोलॉजी कौन चूज करेंगे यहाँ पे हम करेंगे स्टार टॉपोलॉजी जहां पे क्या होता है सेंट्रल हब या स्विच आपके सेंट्रल हब या स्विच से क्या होते हैं जितना सारे के सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं तो कोई भी एक सिस्टम या दो सिस्टम खराब होता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क ब्रेक डाउन नहीं होता फाइन ये आपका सेंट्रल हब आप इसमें यूज कर सकते हो या सेंट्रल आप स्विच यूज कर सकते हो फाइन तो uh, यहां पे आप कौन सी टोपोलॉजी यूज करोगे स्टार टॉपोलॉजी फाइन ओके नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू अलाउ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सर्वर टू ओनली द इंटेंडेड कंप्यूटर्स विच नेटवर्क डिवाइस इज रिक्वायर्ड इन द लैब टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स वो क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है डेटा ट्रांसफर सर्वर से सिर्फ उसी कंप्यूटर को करना है जिसको सर्वर सेंड करना चाहता है डेटा राइट right? तो आप कनेक्शन के लिए कौन से डिवाइस का यूज करोगे फाइन यहां पे हम किसका यूज करेंगे यहां पे हम स्विच का यूज करेंगे क्योंकि स्विच क्या करता है स्विच इज यूनिकास्ट डिवाइस ठीक है यूनिकास्ट डिवाइस होता है विच आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन नोट एंड फॉरवर्ड डेटा नोट ओनली जो क्या करता है डेस्टिनेशन नोट को डेस्टिनेशन कंप्यूटर को डेस्टिनेशन डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है उसको रिकॉग्नाइज करता है उसके बाद उस डे उस नोट को ही डेटा ट्रांसफर करता है राइट right? तो यहाँ पे हम किस डिवाइस का यूज करेंगे कनेक्शन के लिए स्विच का यूज करेंगे ओके okay? नाउ आफ्टर सेटिंग अप द लैब एंड द इंटरनेट इन द लैब समर्थ इज नाउ रिक्वायर टू इनेबल वीडियोज एंड एनिमेशन टू बी प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर फॉर स्टूडेंट ऑफ मल्टीमीडिया क्लास अब क्या है लेब सेट हो चुकी है अब क्या समझ क्या करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनके लैब में एनिमेशन और वीडियोस प्ले हो वेब ब्राउजर पर ओके विच ब्राउजर टूल और सर्विस कैन बी यूज फॉर द सेम अब समटाइम्स क्या होता है हमें अपने ब्राउजर्स में कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस और, और आप कह सकते हो एडोन्स को क्या करना होता है इंस्टॉल करना होता है फाइन जिससे क्या होता है उसकी जो फीचर्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं राइट right? तो यहाँ पे हम आ, आ, किसका यूज करेंगे किस एक्स्ट्रा ब्राउजर टूल या सर्विस का यूज करेंगे यहां पे हम एडोन्स का यूज करेंगे राइट एडोन्स क्या होते हैं एडोन्स आपको आप एक्सटेंशन भी कह सकते हो आ, दीज आर स्मॉल एप्लीकेशंस क्या होती है छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती है या प्रोग्राम्स होते हैं ओके डेट ऐड फीचर्स टू योर ब्राउजर एंड एनहेंस और मॉडिफाई द डिस्प्ले ऑफ द ब्राउजर मीनस क्या है ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं या जो ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर देते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आप वो डाल देती है ओके okay? ये क्या होते हैं रेगुलर एप्स की तरह होते हैं लेकिन ये तभी चलते हैं जब ब्राउजर चलता है ओके okay? ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते हैं दे रन अलोंग विद द ब्राउजर ओके नाउ ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम द स्टूडेंट नीड टू कनेक्ट

ओके वी ओ आई पी राइट क्या है ये वी ओ आई पी इज अ टेक्नोलॉजी डेट अलाउज यू टू मेक वॉइस कॉल्स यूजिंग अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर फोन लाइन ये तो वो ये वो सर्विस है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट की हेल्प से वॉइस कॉल कर सकते हो फाइन तो यहाँ पे जो स्काइफ जो हमारी एप्लीकेशन है वो कौन सी सर्विस का यूज करती है वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करती है ओके okay? ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस दैट कैन ऑपरेट इन प्लेस ऑफ अ हब इज अ वो डिवाइस जो आप हब के प्लेस पे यूज कर सकते हो ओके okay? हब क्या कनेक्टिंग डिवाइस है नेटवर्क में यूज होता है फाइन तो आप हब के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हो तो हम हब के प्लेस पे स्विच को यूज कर सकते हैं फाइन हब क्या एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है ओके विच ट्रांसमिट डेटा टू ऑल द नोट्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क क्या करता है जितने भी इसके जितने भी नोट uh, हब से कनेक्ट होते हैं सबको डेटा ट्रांसफर करता है फाइन ओके okay? लेकिन स्विच क्या है स्विच हब से इंटेलिजेंट होता है वो सिर्फ जहां पे मैसेज जाना है सिर्फ उस पर्टिकुलर नोट को ही डेटा ट्रांसफर करता है तो यहां पे हम हब के प्लेस पर स्विच को यूज कर सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी इज कॉल्ड अ बस और स्टार टॉपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है बस और स्टार टॉपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से ट्री टॉपोलॉजी क्रिएट होता है जहां पे क्या होता है आप कहेंगे इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ स्टार्स एंड बस टॉपोलॉजी टू क्रिएट अ ट्री जो ट्री बनता है वो किससे बनता है बस और स्टार टॉपोलॉजी दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है ठीक है थीके? तो जो इसका सेंट्रल नोड होता है ट्री का जो सेंट्रल आप ब्रांच कह सकते हो वो तो आपका बस टॉपोलॉजी होता है फाइन और उसके बाद जो इसकी ब्रांचेस होती है वहां पे यूज होती है इसकी स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे स्विच हो गया ये आपका स्विच हो गया और इस स्विच से कनेक्ट हो गए डिफरेंट डिफरेंट नोट्स फाइन ये डिफरेंट डिफरेंट नोट हो गए नोट्स हो गए लाइक दिस ओके तो ये आपका स्विच है राइट right? तो देखो यहाँ पे जो सेंट्रल नोड uh, आप सेंट्रल ब्रांच कह लो या सेंट्रल नोड कह लो सेंट्रल आप उसकी बैकबोन कह लो ओके वो किससे uh, वो किसकी हेल्प से बनती है वो बस टॉपोलॉजी की हेल्प से बनती है जो ब्रांचेस बनती है वो स्टार टॉपोलॉजी होती है फाइन तो ट्री uh, टॉपोलॉजी क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी है फाइन ओके नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम्स विल ऑफर द हाइएस्ट वेन कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम क्या ऑफर करता है हाईज बैंडविथ ऑफर करता है तो बैंडविथ क्या है बैंडविथ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम मींस कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन मीडियम से ओके इन अ पर्टिकुलर टाइम इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम मतलब एक टाइम लिमिट में कितना ज़्यादा डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलते हैं बैंडविथ तो हाईएस्ट बैंडविथ किसकी होती है हाईएस्ट बैंडविथ होती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर की ओके okay? तो जहाँ पे हाईएस्ट बैंडविथ की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर क्या यूज किया जाता है वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर को यूज किया जाता है ओके okay? ओके फॉर एन डिवाइस डि इन अ नेटवर्क वट इज द नंबर ऑफ केबल लिंक रिक्वायर्ड फॉर अ मेश टॉपोलॉजी मैश टॉपोलॉजी सबको पता है जहां पर जो कंप्यूटर्स होते हैं नोट होते हैं वो जितने भी दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं डिवाइसिस होते हैं उनसे लिंक होते हैं ओके लाइक दिस आप ये स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं एक छोटा सा लाइक like दिस तो ये यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो सारे कंप्यूटर्स है ये वाला पॉइंट कंप्यूटर है ये वाला पॉइंट कंप्यूटर है ये, ये मैम छोटी सी मेश टॉपोलॉजी आई एम ट्राइंग टू क्रिएट फाइन तो यहाँ पे देखो ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है राइट right? तो अगर क्या है फोर एन डिवाइसेस इन अ नेटवर्क अगर एन डिवाइसेस मतलब आप फोर डिवाइसेस ले लो फाइव डिवाइसेस ले लो नेटवर्क में ठीक है व्हाट इज द नंबर ऑफ केबल लिंक्स रिक्वायर्ड इन अ रिक्वायर्ड फॉर अ मैश टोपोलॉजी तो कितने केबल लिंक्स चाहिए जो ये लिंक बन रहे हैं उनको केबल लिंक्स कहते हैं कितने केबल लिंक्स चाहिए अगर कितने डिवाइसेज है एन डिवाइसेज है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है डी एन इन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फाइन ओके तो अगर यहाँ पे एन क्या हो सकता है? है, है तो इससे आपका क्या आ निकल के आ जाएंगे फाइन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज इन रियल टाइम इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन ओके रियल टाइम मतलब एट द सेम टाइम ऑनलाइन राइट right? अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है इसकी अभी हमने बात की थी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है इसका जिस टेक्नोलॉजी का यूज करता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल फाइन तो रियल टाइम कम्युनिकेशन रियल टाइम इंटरनेट इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज इंटेलिजेंट हब कौन से नेटवर्क डिवाइस को इंटेलिजेंट हब कहा जाता है मैंने अभी आपको बताया था कि स्विच को हम लोग क्या कहते हैं इंटेलिजेंट हब कहते हैं क्यों क्योंकि इसकी वर्किंग तो हब जैसी ही होती है लेकिन एक चीज में ये डिफरेंट है हब से क्या हब है ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस जितने भी नोट उससे कनेक्ट होते हैं वो सबको सेम मैसेज ट्रांसफर कर देता है बट स्विच क्या है यूनिकास्ट डिवाइस है जो सिर्फ उसी नोट को मैसेज ट्रांसफर करता है जो जिसके लिए मैसेज जाना होता है बाकी जितने भी नोट्स होते हैं उनको वो मैसेज नहीं ट्रांसफर करता तो हम हब के प्लेस पर स्विच को यूज कर सकते हैं इसलिए इसको इंटेलिजेंट हब भी कहा जाता है ओके okay? ओके द प्रोटोकॉल्स यूज टू सेंड एंड रिसीव एंडली आर कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं ई मेल को सेंड करने में और रिसीव करने में तो ई मेल को सेंड करने में आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस एम टी पी और आपकी मेल्स को ई मेल्स को रिसीव करने के लिए होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल फाइन तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपके ईमेल्स को सेंड करता है एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आपके ईमेल को रिसीव करता है ओके ओके टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस टू एंड और फ्रॉम द नेटवर्क अ सिस्टम नोन एज कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन सा सिस्टम होता है जो आपके नेटवर्क को आपके कंप्लीट नेटवर्क को आउटसाइड से, बचाता है, से बचाता है. तो यहाँ पे हमारे पास है जो, और आप उसको किसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो हार्डवेयर फॉर्म में भी और सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो ओके okay, तो ये क्या है ये फायर है जो जो क्या करता है आपके इंटरनल नेटवर्क और आउटर नेटवर्क के बीच में एज अ बैरियर आ, आ, बैठा होता है ओके okay? और क्या करता है आउटर नेटवर्क को पूरा का पूरा छानने के बाद ठीक है पूरा उसको चेक करने के बाद आ, आपके इंटरनल नेटवर्क में उसका डेटा ट्रांसफर होने देता है तो ये फायर फायरवॉल को आप हार्डवेयर फॉर्म में भी इंस्टॉल कर सकते हो सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी ओके नाउ कम्युनिकेशन मीडिया कैन बी ऑफ डैश एंड डैश टाइप्स कम्युनिकेशन मीडिया क्या आ, आ, आपका किस किस टाइप का हो सकता है तो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया हो सकता है गाइडेड एंड अनगाइडेड गाइडेड मीडिया क्या होता है वायर्ड कम्युनिकेशन जिसके अंदर वायर्स यूज़ होते हैं ओके okay? और अनगाइडेड क्या होता है वायरलेस कम्युनिकेशन ओके जहां पे आपकी रेडियो वेव्स एंड डिफरेंट डिफरेंट वेव्स यूज़ होती हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए ओके okay? तो हमारे दो टाइप्स के कम्युनिकेशन मीडिया हैं गाइडेड मींस वायर्ड नेट मीडिया एंड अनगाइडेड मींस वायरलेस मीडिया ओके एस लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट एस लैंग्वेज हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है क्या क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है आपके स्टेटिक वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए स्टेटिक वेबसाइट्स कौन सी होती है वो वेबसाइट जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो आप स्टेटिक इंफॉर्मेशन देते हो स्टेटिक इंफॉर्मेशन मीन्स आप उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हो पर आप उस इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते मॉडिफाई नहीं कर सकते और वो इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं होती यू ओनली कैन सी डैट इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ देख सकते हो आप उसको यूज कर सकते हो आप उसको कॉपी कर सकते हो बट आप उसको आ, उसके साथ इंट्रैक्शन नहीं कर सकते फाइन तो एस्टिमेट लैंग्वेज uh, uh, की हेल्प से हम स्टेटिक वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं फाइन ना यू आर एल स्टैंड यू आर एल क्या होता है ईच वेब 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 पेज और डॉक्यूमेंट हैज इट्स एड्रेस ऑन द इंटरनेट कॉल यू आर एल यूर क्या है यू आर एल इज द एड्रेस ऑफ एनी वेब डॉक्यूमेंट मतलब जितना भी वेब डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है उस एड्रेस को हम बोलते हैं यू आर एल और इसकी फुल फॉर्म क्या है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फाइन न फिजिकल एड्रेस टू आइडेंटिफाई मशीन यूनिकली नेटवर्क अब जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं है, है, है है। है? मैक एड्रेस राइट मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस एक, राइट मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस क्या है हार्डवेयर का एड्रेस होता है ये हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करता है ओके ओके सेंडिंग द ई मेल टू एनी सी सी आप जब कोई भी मेल सी सी को सेंड करते हो मतलब आप सीसी में भी कोई एड्रेस डालते हो तो इसका क्या मीनिंग होता है इसका मीनिंग है सेंडिंग द मेल कार्बन कॉपी मतलब आप सीसी uh, के अंदर जो भी एड्रेस uh, यूज कर रहे हो जो भी एड्रेस आप टाइप कर रहे हो उसके पास उस पर्टिकुलर मैसेज की कॉपी जाएगी फाइन तो यहाँ पे इसका आंसर है सेंडिंग द मेल कार्बन कॉपी उस पर्टिकुलर एड्रेस के पास आपकी आ, क्या होगी जो भी आप mail के अंदर आपने दिए हैं उनके पास भी वो मैसेज जाएगा और जो CC के अंदर आपने दिए हैं उनके पास भी वो message जाएगा ओके okay? और इसका एक फीचर और क्या होता है सीसी सीसी में जो आपने एड्रेसेस दिए हैं उनके पास वो लिस्ट भी जाती है कि कितने और अदर लोगों को आपने ये मैसेज सेंड किया है माइक्रो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है तो उसको बोलते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग यहाँ पे हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है ट्विटर जहां पे हम छोटे छोटे ट्वीट करते हैं छोटे छोटे पोस्ट डालते हैं फाइन ओके विच टॉपोलोजी इन जर्नल यूजलेस वायर लेंथ टू अदर्स कौन सी टोपोलॉजी सबसे कम वायर को यूज करती है तो वी ऑल नो डेट बस टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी में क्या होता है एक वायर होती है जिसके अंदर सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं फाइन तो जो सबसे आ, कम वायर यूज करता है वो कौन सी टोपोलॉजी होती है वो बस टोपोलॉजी होती है फाइन ओके विट डिवाइस इज यूज टू ट्रांसफर कम्युनिकेशन सिग्नल टू लॉन्ग डायरेक्शन कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है जब आपको सिग्नल्स को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफर करना होता है तो हम यूज करते हैं रिपीटर का रिपीटर क्या करता है जो भी सिग्नल्स आते हैं उनको एम्पलीफाई करता है मतलब उनको रीजनरेट करता है फाइन और उनको पहले जितना जो अगर उनकी जो भी स्ट्रेंथ कम हो गई होती है वो उसको क्या करता है रीजनरेट करता है उनकी स्ट्रेंथ को वापिस सिग्नल्स के अंदर डालता है उनको एम्पलीफाई करता है तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं between, जब हमें इन में से कौन सा ब्राउजर यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन क्या है ब्राउजर बाकी व्हाट्सएप आपकी एप्लीकेशन है ट्विटर आपका क्या है दिस इज ऑल्सो इन एप्लीकेशन फाइन ओके तो यहाँ पे क्रोम क्या है आपका ब्राउजर फाइन जी इज यूज इन द बैकबोन ऑफ इंटरनेट जब आप इंटरनेट का बैकबोन क्रिएट करते हो तो कौन सी टे, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं वहां पे हम यूज करते हैं बस टोपोलॉजी हमेशा ध्यान रखो जब बैकबोन ऑफ इंटरनेट की बात होती है ओके okay, बैकबोन ऑफ इंटरनेट मीन्स यहाँ पे क्या होता है छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं वो पर्टिकुलर बिग नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं फाइन छोटे छोटे नेटवर्क है ये जो मैंने लाइन्स बनाई है वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के लिए बना रही हूँ ठीक है तो क्या है वो एक पर्टिकुलर ये जो हमारा ये ये लॉन्ग नेटवर्क जा रहा है ठीक है वो एक पर्टिकुलर लॉन्ग नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो हमारा इंटरनेट बनता है तो यहाँ पे हम कौन सी टॉपोलॉजी को यूज़ करते हैं जब हमें इंटरनेट की बैकबोन बनानी है बस टॉपोलॉजी को यूज़ करते हैं ओके ओके अ नेटवर्क विद ऑल क्लाइंट कंप्यूटर एंड नो सर्वर इज कॉल्ड वो नेटवर्क जिसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं उसमें सर्वर नहीं होता तो वो कौन सा नेटवर्क होता है वो नेटवर्क होता है पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग फाइन जिसके अंदर क्या होता है जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो उनकी इक्वल कैपेबिलिटी होती है राइट right? कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं होता जो ज्यादा जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो सारे इक्वल होते हैं और बेसिकली दे आर यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर और यू कैन से एक्सचेंज डेटा फ्रॉम

ओके okay, वो क्वेश्चन था कि हम स्विच की जगह क्या यूज कर सकते सॉरी हब की जगह क्या यूज करते हैं स्विच कर सकते हैं ओके okay? और हम स्विच को स्मार्ट हब भी बोलते हैं क्योंकि दोनों की वर्किंग एक है बट दोनों दोनों एक तरीके से यूज होते हैं टू कनेक्ट द नोट्स टू कनेक्ट द डिवाइसेस बट क्या है हब सब जितने भी नोट कनेक्टेड होते हैं सबको डेटा ट्रांसफर कर देता है बट स्विच उस पर्टिकुलर नोट को ही डेटा ट्रांसफर करता है जिसको वो जाना चाहिए फाइन जिसके जिसके लिए वो मैसेज होता है

ओके okay? क्या क्रिएट करता है डेडिकेटेड फुल टाइम कनेक्शन टू द नेटवर्क आपका कंप्यूटर हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहता है नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ एनआईसी ओके द मेन कंप्यूटर इन एनी नेटवर्क इज कॉल्ड एज अगर आप ने, नेटवर्क क्रिएट करते हो तो उसमें जो मेन कंप्यूटर होता है उसे आप क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं सर्वर की. सर्वर कौन सा कंप्यूटर होता है जो जितने भी और दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करता है उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है डेटा प्रोवाइड करता है हार्डवेयर प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है फाइन तो सर्वर क्या होता है सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है किसी भी नेटवर्क का ओके नाउ वी हैव सिस्टम क्या होता है फाइन तो इसका क्या आंसर है इट इज अम्प्यूटर विदाउट एनी नेटवर्किंग वो कंप्यूटर जो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता उसे हम स्टैंड अलॉन कम्प्यूटर कहते हैं फाइन ओके इफ ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू अर सेंट्रल हब देन टोपोलॉजी इज कॉल्ड जब सारे के सारे डिवाइसेस क्या है सेंट्रल हब से कनेक्टेड है ठीक है सेंट्रल ये आपका सेंट्रल हब है और जितने भी डिवाइसेस हैं सॉरी लाइक दिस जितने भी डिवाइसेस हैं वो सेंट्रल हब से कनेक्टेड हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं स्टार स्टार टोपोलॉजी ओके उसको आप कहते हो स्टार टोपोलॉजी जिसमें जितने भी डिवाइसेस होते हैं सेंट्रल स्विच या सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं now what is the name of the network topology in which there is bi-directional links between each possible node वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर क्या होते हैं जितने भी नोट होते हैं उनके in between bi-directional link होते हैं बाय डायरेशनल मीन्स like this मैं आपको क्रिएट करके छोटा सा दिखाती हूँ ये आपका एक कंप्यूटर है ओके okay, और ये आपका सेकंड कंप्यूटर है ओके okay? तो देखो ये फर्स्ट कंप्यूटर ये मान लो हमारा फर्स्ट है ये सेकंड है तो ये फर्स्ट जो ये लिंक जा रहा है बाय डायरेक्शनल right? okay? है और यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है बाय डायरेक्शनल लिंक है फाइन ओके uh, okay? क्या होता है बाय डायरेक्शनल लिंक स्टेब्लिशेज अ बैक लिंक और यू कैन से रिटर्न लिंक टू गो बैक टू द इनिशियल प्लेस फाइन ओके okay, तो यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी टौ, में डायरेक्शनल लिंक्स यूज होते हैं वो हमारे यूज होते हैं मेस टोपोलॉजी में फाइन जिसमें जितने भी नोट्स होते हैं वो दूसरे जितने भी और नोट्स होते हैं उसे कनेक्टेड होते हैं तो इसका आंसर है मैश टोपोलॉजी फाइन हब इज इज अ हब क्या होता है हमारी ब्रॉडकास्ट डिवाइस होती है जो जितने भी कनेक्टेड नोट होते हैं उन सबको ब्रॉडकास्ट कर देती है मतलब सबको मैसेज सेंड कर देती है जिसको ब्रॉडकास्ट डिवाइस आप बोलोगे स्विच क्या है आपका यूनिकास्ट डिवाइस है जो क्या करता है आइडेंटिफाई करता है कि किस नोट के पास डेटा जाना चाहिए और पर्टिकुलरली उसी नोट के पास वो डेटा को सेंड करता है फाइन इन कंप्यूटर कन्वर्टिंग अ डिजिटल सिग्नल इन टू एन एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड जो मॉडर्न कंप्यूटर से कनेक्ट होता है वो क्या करता है डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर क्या करता है यूज डिजिटल सिग्नल्स को यूज करता है तो उसको टेलीफोन लाइंस पे ट्रांसफर करने से पहले वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है ओके okay? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन क्या बोलते हैं मॉड्यूलेशन ओके और ये ये प्रोसेस क्या होता है सेंडर कंप्यूटर पे होता है रिसीवर कंप्यूटर क्या करता है एनालॉग सिग्नल रिसीव करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल में ओके okay? तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डी मॉड्युलेशन राइट तो कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल इंटू कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इंटू डिजिटल ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स जितने भी रिसोर्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उनकी लोकेशन मतलब उनका एड्रेस किसकी हेल्प से दिया जाता है वो दिया जाता है यू आर एल की हेल्प से

ओके okay, तो यहाँ पे जो हम छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं वो क्या है लोकल एरिया नेटवर्क जो छोटे छोटे प्लेसेस पे आप क्रिएट करते हो नेटवर्क उनको हम लैंड बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म जितने भी हाइपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं ओके okay? वो क्या होते हैं हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट्स क्यों कहा जाता है क्योंकि वहां पे एक doc, एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से हाइपर लिंक से, की कनेक्टेड होता है फाइन जैसे वेबसाइट है उसके अंदर जितने भी पेजेस होते हैं वो हाइपर लिंक की हेल्प से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से ओके okay? तो इसको क्या बोला जाता है इस कलेक्शन को क्या बोला जाता है जो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है उस कलेक्शन को हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब इज द वेब ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फाइन ओके विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउस यूजर टू व्यू अ वेब पेज अगर आपको वेब पेज देखना है तो आप क्या करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करोगे वेबसाइट का यूज करोगे इंटरप्रेटर का तो आपको वेब पेजेस को अपने सिस्टम पे अपने कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे देखने के लिए क्या चाहिए आपको चाहिए एक सॉफ्टवेयर ओके okay. वो सॉफ्टवेयर क्या होता है वेब ब्राउजर जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो वेब पेजेस को एक्सेस करते हो फाइन ओके नेटवर्क राउटर ज्वाइंट टू डैश टुगेदर जो नेटवर्क राउटर होता है उसका क्या काम होता है उसका काम होता है दो नेटवर्क को ज्वाइन करना वो एक नेटवर्क का डेटा सेंड करता है दूसरे नेटवर्क को राइट right? तो यहाँ पे नेटवर्क राउटर क्या करता है टू नेटवर्क को ज्वाइन करता है आपस में फाइन अ नेटवर्क पॉइंट डेट प्रोवाइड्स एंट्रेंस इनटू अनदर नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क नेटवर्क पॉइंट और आप कह सकते हो नेटवर्क डिवाइस जो दूसरे नेटवर्क के अंदर आपको एंट्रेंस प्रोवाइड करता है आपको कनेक्ट करता है वो कौन सा होता है वो होता है हमारा गेटवे गेटवे क्या करता है इट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स ये डिसिमिलर नेटवर्क को ज्वाइन करता है लाइक like ये क्या करेगा लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर देगा आपके वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क के साथ ओके okay? या एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ राइट right? तो एक दूसरे एक डिफरेंट नेटवर्क में आपको ज्वाइन करता है गेटवे

इफ द सिस्टम यूज सेपरेट प्रोटोकॉल्स विच वन ऑफ द फोलोइ डिवाइस इज यूज टूलिंग टू सिस्टम्स अगर क्या है डिफरेंट नेटवर्क या डिफरेंट सिस्टम्स डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज करें तो वहां पर आप कौन से डिवाइस का यूज करोगे उनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम गेटवे का यूज करेंगे बिकॉज ये क्या करता है डिफरेंट सिस्टम्स को ज्वाइन करता है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं उन सिस्टम्स को ज्वाइन करता है ये लोकल एरिया नेटवर्क को वर्ल्ड वाइड एरिया के साथ कनेक्ट करता है फाइन तो यहाँ पे गेट वे का यूज होगा फॉर no. क्या है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ओके जो क्या होता है जो एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर नेटवर्क होता है उसे हम आ, क्या बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क फाइन ओके जस्टिफाई करता है या नहीं ये हमें बताना है राउटर इज मोर पावरफुल एंड इंटेलिजेंट देउटर क्या है वो डिवाइस है जो हब और स्विच से क्या है इंटेलिजेंट है अब हब और स्विच क्या करते हैं एक आप पर्टिकुलर नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए यूज करते हो ओके okay. लेकिन राउटर क्या है राउटर एक से ज्यादा नेटवर्क्स को एक दूसरे से ज्वाइन करता है ओके डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे से ज्वाइन करता है और ये क्या करता है राउटर चूज इज रूट टू सेंड द डेटा पैकेट आउट ऑफ सेवरल रूट एग्जिस्टिंग इन द नेटवर्क इसका क्या मीनिंग है ये क्या करता है बहुत सारे रूट होते हैं डेटा को सेंड करने के लिए मतलब रास्ते होते हैं लेकिन ये क्या चूज करता है बेस्ट रूट को चेंज करता है सॉरी सिलेक्ट करता है डेटा को सेंड करने के लिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ओके okay? तो आपका क्या है एसेशन ट्रू है क्योंकि यहाँ पे राउटर क्या है हब हाँ और स्विच से ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट होता है फाइन नो रीजन इट हैज एडवांस कैपेबिलिटीज एज इट कैन एनालाइज द डेटा एंड डिसाइड द डेटा इज पैक्ड

फाइन तो ये हमारा एसेशन क्या है ट्रू है क्योंकि हम आ, रिपीटर का यूज करते हैं सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए और इसका यूज किया जाता है लार्ज नेटवर्क के लिए ओके जो कहाँ पे स्प्रेड होते हैं लार्ज जोग्राफिकल डिस्टेंस आ, में स्प्रेड होते हैं फाइन ओके okay, अब रीजन देखते हैं हब इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट मोर देन वन डिवाइस इन द नेटवर्क हब का यूज किया जाता है एक से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर नेटवर्क में असेशन भी ट्रू है और हब भी ट्रू है लेकिन हब क्या ये जो रीजन है सॉरी एसेशन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ओके okay? दोनों ट्रू है बट जो रीजन है वो असेशन को जस्टिफाई नहीं करता है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है बी

कर रहा है तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप चूज करोगे ए बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फाइंड ओके नाउ द एसेशन इज बस टॉपोलॉजी इज बेस्ड ऑन अ सेंट्रल नोड विच एक्स एज अ हब यहाँ पे क्या कह रहा है जो बस टॉपोलॉजी होती है ठीक है वो सेंट्रल नोड पे डिपेंड करती है जो किसकी तरह काम करता है हब की तरह काम करता है नहीं हब कहाँ पे यूज करते हैं हम बेसिकली इसको यूज करते हैं स्टार टोपोलॉजी में ओके okay? तो ये जो हमारा एसेशन है वो करेक्ट नहीं है ओके ये रॉन्ग है अब रीजन देखते हैं बस टोपोलॉजी इन्वॉल्व अ लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ इंस्टॉलेशन टाइम ठीक है बस टोपोलॉजी में वेरी लो कॉस्ट होती है इंस्टॉलेशन की क्योंकि हम एक सिंगल कनेक्शन केबल को यूज करते हैं जिसके अंदर सारे के सारे डिवाइसेस सारे के सारे नोट्स कनेक्ट होते हैं फाइन तो यहाँ पे जो हमारा एसेशन है वो तो क्या है फॉल्स है राइट बट रीजन ट्रू है तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप चूज करोगे ऑप्शन डी मीन्स एसेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू फाइन ओके एसेशन अब प्रोटोकॉल मींस द रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं उसको फॉलो करते हैं अगर वो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करेंगे तो इंटरनेट का और या फिर नेटवर्क का पार्ट नहीं माने जाएंगे फाइन ओके okay. तो आपका क्या है एसेशन आपका ट्रू है यहाँ पर अब हम रीजन देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉल लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है नहीं प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल नहीं है प्रोटोकॉल के आपके एग्जाम्पल हो गए आपका टीसीपीआईपी ओके okay, और आपका एफटीपी ये क्या है प्रोटोकॉल्स हैं जो डेटा ट्रांसफर के टाइम रूल्स फॉलो किए जाते हैं फाइन तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है एक पर्टिकुलर नेटवर्क है प्रोटोकॉल नहीं है तो हमारा एसेशन तो ट्रू है बट रीजन आपका फॉल्स है तो आप कौन सा चूज करोगे ऑप्शन यहां पे हम ऑप्शन सी चूज करेंगे कि एसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स ओके ओके okay. एसेशन क्या है हमारा हब इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू क्रिएट लेंस हब क्या है नेटवर्किंग डिवाइस है ओके okay, जिसका यूज़ किया जाता है लैन को क्रिएट करने के लिए ठीक है ये हमारा करेक्ट है यस yes. हब के हेल्प uh, से हम क्या करते हैं लेंस क्रिएट करते हैं ओके okay, आप आपको uh, एज ए मिडल डिवाइस यूज करते हो और डिफरेंट डिफरेंट आप डिवाइस से कनेक्ट करते हो राइट right? तो हमारा एसेशन यहाँ पे क्या है ट्रू है अब क्या है आपका रीजन हब इज अ डिवाइस डेट इज यूज टू सेगमेंट नेटवर्क इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क्स। हब वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हो तो रीजन हमारा यहाँ पर फॉल्स है क्योंकि कौन सा डिवाइस का यूज होता है सब नेटवर्क क्रिएट करने के लिए स्विच का यूज किया जाता है ठीक है स्विच क्या करता है सेगमेंट uh, करता है नेटवर्क इन इनटू डिफरेंट डिफरेंट सब नेटवर्क जिनको सबनेट्स या लेंथ सेगमेंट्स भी कहा जाता है ओके okay? ओके okay? तो uh, क्या करता है स्विच uh, uh, एक बिगर नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क uh, में छोटे छोटे स्मॉल सबनेट्स में डिवाइड uh, कर देता है टू प्रिवेंट द ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन अ नेटवर्क तो हब नहीं करता स्विच करता है तो आपका एसर्शन तो यहाँ पर ट्रू है राइट बट रीजन आपका क्या है फॉल्स तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे ऑप्शन सी एसेशन इज टू बट रीजन इज फॉल्स ओके ओके एसेशन इज राउटर ट्रांसमिट डेटा इन मोर एफिशिएंट वे राउटर क्या होता है पूरा का पूरा बहुत सारे रूट्स होते हैं उनमें से कोई एक बेस्ट रूट डिसाइड करता है डेटा ट्रांसफर के लिए तो ये क्या होता है सच ये जो डेटा को ट्रांसमिट करता है वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से ट्रांसमिट करता है तो आपका एसेशन ट्रू है अब रीजन क्या है राउटर में राउटिंग टेबल एक एक पूरी पर्टिकुलर राउटिंग uh, टेबल बनाता है रूट्स की ओके okay. एंड ओके okay. uh, तो यहाँ पे क्या है ये आपका रीजन भी ट्रू है क्योंकि यहाँ पे क्या है एक uh, uh, राउटर मेंटेन okay? uh, uh, करता है राउटिंग टेबल को ओके एंड डिफरेंट रूट्स को डिसाइड करता है उनमें से बेस्ट रूट रूट को चूज करता है तो यहाँ पे आपका एसर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है तो आप ऑप्शन ए को चूज करोगे बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए राइट गेट वे कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क गेट वे क्या है वो डिवाइस है, है. Like, uh, uh, है. है, है जिनका आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है जो डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज करते हैं फाइन तो आपका ट्रू है निटवीन लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क मैंने अभी आपको बताया कि गेटवे क्या करता है कनेक्शन करता है लोकल नेटवर्क में एंड एक्सटर्नल नेटवर्क में तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका ऑप्शन ए करेक्ट है बोथ एसेशन एंड रीजन आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए